नहीं है इंटरेस्टिंग शर्मा मुझे पता भी इंस्टा पे है या नहीं है क्या कैसी बात कर रहे हो नवीन भाई अच्छा है अच्छा अब ये तो नहीं होगा कि मैं अगर आपसे कोई इवेंट में मिल गया तो मुकर तो नहीं जोगे कि ये कौन है नहीं नहीं यार मैं बड़ा... याद रखोगे नाम याद रखते मैं हो बड़ा आ, हम्बल आदमी <laughs> 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 है ना ये बहुत अच्छा कंफर्टेबल काउच है यार ये है ना इधर नींद बढ़िया आती है ये हमारा शुरू हो चुका है क्या अरे कर देंगे शुरू आप इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो <laughs> मैं कुछ अलग रिएक्ट नहीं कर रहा <laughs> लेकिन मुझे बता तो दो ये रिकॉर्ड हो रहा है हो रहा है ना पॉडकास्ट तो नेचुरल चीजें तो ऐसी मिलती है आदमी घुसा और ऑन कर दिया रोलिंग है रोलिंग है यार

और आप यहाँ बॉम्बे आए हो शिफ्ट हुआ साल पहले पॉडकास्ट करने पॉडकास्ट और कंटेंट बनाने के लिए और आप वहीं पे भी ये करते थे वहाँ कुछ नहीं करता था वहाँ कॉन्टेंट बनाता था तो ऐसा तो नहीं आप यहाँ एक्टर बनने आए थे और आप ये ना, कर ना, रहे ना, हो ना, ऐसा, ना, नहीं ना, ना, ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है ओके ओके ऐसा नहीं है मन अगर हो गया तो नहीं हम लोग मुझे याद है ऐसी मुझे शायद आई थिंक राज राजमानी भी एक राज राजमानी राय तो पिक्चर्स के टाइम पे उसने भी हमारे साथ पॉडकास्ट किया था वो कभी बाहर ही नहीं आया एक्चुअली मुझे लगता है उस दिन साउंड वाउंड का बहुत इशू था कुछ बोलता हूँ राज को

आप तो दिल्ली से हो लेकिन मैं आप आप नाइजीरिया में पैदा हुए थे ये आप बता दो तो, थोड़ा आ जाओ उस पर नाइजीरिया फिर आप रहे उसके वहाँ पे नहीं मतलब मैं पापा आई थिंक जॉब वहाँ पढ़ाते थे टीचर थे वहाँ काफ़ी इंडियन टीचर्स रहते थे उस दौरान अभी भी रहते होंगे शायद तो तो हाँ आई थिंक वो ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोग जैसे अभी मैं दुबई गया था तो बहुत सारे इंडियंस रहते हैं वहाँ बट उनकी फैमिलीज यहाँ रहती हैं तो अभी शायद वो इस स्टेज पे होंगे क्योंकि वो पैसा कमाते हैं वहाँ पैसा ज़्यादा पैसे यू ना उस सेम मेहनत का सेम जॉब का ज़्यादा पैसा मिल रहा है तभी वो फॉरेन कंट्री में काम कर रहे होते हैं लोग अपनी फैमिली से अलग रह रहे होते हैं तो मुझे लगता है अब चालीस साल पहले पापा भी यही कर रहे होंगे वो क्योंकि सेम टीचिंग जॉब में शायद उनको पैसा ज़्यादा मिल रहा होगा वहाँ इसलिए वो वहाँ रहते थे फिर मेरा तो वहीं रहते रहते फिर उन्होंने मतलब इंडिया आए थे वो शादी करी वहाँ चले गए तो मैं बस हाँ पैदा हुआ हूँ लेकिन मैंने

मतलब क्या खाना पीना रहन सहन लोग यार मैं जॉइंट फैमिली में बड़ा हूँ दिल्ली में हुँ. तो अपने एरिया से एक अटैचमेंट है मुझे जहाँ बड़ा हूँ कहाँ पे कौन से पार? मैं अमर कॉलोनी में बड़ा हूँ लाजपत नगर फोर में हुँ. और उसके आसपास की मतलब वो जो बच्चों की मेमोरीज होती है ना क्रिकेट की मेमोरीज और इलाके की मेमोरीज और कहाँ कहाँ मैचेस होते थे कहाँ स्कूल था कहाँ पे पहला क्रश रहता था यू you नो know, उन इलाकों के बारे में भी मैं जानता था बस मतलब जीके के वन हो गया डिफेंस कॉलोनी हो गया और ईस्ट ऑफ कैलाश हो गया इस इलाकों के इन इलाकों के बारे में जानता था जब मैं बड़ा हुआ और मैं कॉलेज जाने लगा तो फिर ज़्यादातर वक्त कॉलेज में बीता है और हम फिर कनॉट प्लेस जाते थे चिल करने अदरवाइज वो वेस्ट डेली वाला पार्ट थी नॉर्थ वेस्ट डेली जो है ना द्वारका में मेरा कॉलेज था एन एस यू अब एन हो गया शायद एन एस एक था तो दिल्ली भी मुझे लगता है कि बहुत एक्सप्लोर नहीं किया मैंने अच्छा बहुत ज़्यादा मतलब अगर कोई मुझे मैं क्रॉट प्लेस ही एक्सप्लोर किया था पूरा बदल चुका है वो मुझे ऐसा लगता है बाकी आ, आप दिल्ली नहीं गए हो कभी मैं गया हूँ तो हाँ दिल्ली मुझे मेरे लिए ना फैमिली दिल्ली थी क्योंकि मेरी पूरी जॉइंट फैमिली दिल्ली में है मेरी चाहे नानी की यू you नो know, मासी मामा हों या पापा की साइड के लोग हों बुआ हैं तो हाँ फॉर मी दैट इज डेली एंड सम हाउ मैंने इतनी एक्सप्लोर नहीं करी थी जैसे कि आज फ्रेंड्स का शूट जब राजेंद्र नगर में हुआ मैं उससे पहले राजेंद्र नगर कभी गया ही नहीं था अच्छा इंटरेस्टिंग hmm. क्या इंटरेस्टिंग है इसमें नहीं है इंटरेस्टिंग इसमें मतलब इंटरेस्टिंग तो कुछ नहीं है इसमें मतलब इन अब मेरा कोई दोस्त बॉम्बे आता है तो कहता है बॉम्बे में बता हम कहाँ कहाँ जाएँ तो वो भी मुझे ज़्यादा नहीं पता होता मैं कहता तो हूँ यार अंधेरी पता है मुझे तो बस। आप निकलते नहीं हो करते ये भी एक प्रॉब्लम है क्यों शायद हाँ एक्सप्लोर करना चाहिए मतलब आई एम अप फॉर इट बट आई डोंट टेक इनिशिएटिव अगर इफ़ आई हैव अ सर्कल व पीपल से कि अरे चलो आज यहाँ जाएं वहाँ जाएँ तो मैं ज्वाइन करूंगा लेकिन मैं खुद एक्सप्लोर नहीं करूँगा ऐसा मन, है मतलब इंट्रोवर्ट टाइप के आदमी देखो मैं बात कर रहा हूँ तो बात तो बहुत कर रहा हूँ तो इंटरवर्ट तो नहीं अरे तो बात घर में बैठ के करना और घर से बाहर ही नहीं निकलना में तो फर्क है चाय अच्छी है यार चाय अच्छी है इसको मैं सेल्फ प्रोक्लेम्ड दीपक स्पेशल चाय बोलता हूँ अच्छा अच्छा हाँ। तो तो आप अभी एक जोक मार दो नहीं नहीं <laughs> 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 नहीं इंट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट नहीं हो यार मैं आ, मेरे ख्याल से मैं बहुत बातें करता हूँ और बहुत एक्सप्रेसिव हूँ आई थिंक सभी बोल देता हूँ इनफैक्ट जो है अंदर वो सब बोल देता तो। दिख रहा है वो तो तो वही मैं कह रहा था शुरू में फिल्टर का फिल्टर विल्टर नहीं है कुछ मेरे हिसाब से ये अच्छी बात है बहुत हाँ अच्छी बात ही लगती है मुझे तो तभी मैं तभी बोलता तभी तो। फॉलो करता हूँ क्योंकि हाँ। मुझे ईजी लगता है वो हाँ फिल्टर करने में फिर मैं खुद कंफर्टेबल नहीं होता और मैं जब उन लोगों के साथ होता हूँ जहाँ मेरे को यू नो फिल्टर करना पड़ता है जैसे कोई सामने बात कर रहा है एंड आई डोंट एग्री विद दैट पर्सन बट मैं बोल नहीं सकता तो फिर नॉट दैट पर्सन यू नो और फिर हाँ तभी फिर बहुत कम ही लोग रह जाते हैं जिनके साथ आप चिल्प कर सकते हो। ऐसा, ऐसा ऐसा होता है हाँ जैसे जैसे बड़े होते हो नहीं स्कूल कॉलेज में तो आप कुछ भी बोल सकते हो लेकिन जब आप एक आप यू नो प्रोफेशनल बन जाते हो तो फिर आप बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ भी हैंग आउट करते हो जो आपके प्रोफेशनल दोस्त हैं तो उनके साथ तो फिर बहुत सारी दिल की बातें करना कई बार वो मैं कर देता हूँ और इसलिए फिर गलत भी लग जाता है लोगों को कभी लगा कि भारी पड़ा ये ये बिना फ़िल्टर के कुछ बात करना ऐसा लगा कि अरे ये तो भारी पड़ गया नहीं मुझे अकल नहीं आई है, <laughs> है कि कहीं मेरे को समझ में आया कि मैंने मूँगी खाई जैसे क्या खाई कुछ जो आज में ना कि कि कभी जब अनफिल्टर्ड कुछ चीजें बोल देते हो हाँ तो कभी लगा कि ये अच्छा क्या जोक्स मारने की अब मेरी फिल्म मेरा शो आ, मेरा सब कुछ इज माइंड तो मैं उस पर जोक मारता हूँ खुल के लेकिन अब फिल्म वगैरह में क्या हो जाता है मेनी अदर पीपल एसोसिएटेड विद इट तो वो फिर बुरा मान जाते हैं और मैं जब ए डी था तो मेरा ना एक इंटरव्यू आया था जिसमें मैंने अपनी एक फिल्म की का मज़ाक उड़ा दिया था आ, कि भाई ये तो आ, साल की मतलब बड़ी फ्लॉप थी और मैं अपने भी जोक मार रहा था लेकिन फिर उस डायरेक्टर का मुझे मैसेज आया एंड शी वॉज हर्ट और मुझे लगा ये गलत बात है यार मैं क्योंकि वो सिर्फ क्योंकि उस डायरेक्टर ने मुझे काइंड kind ऑफ of चांस दिया था आई मीन पीपल हु कैन टेक जोक ऑन डेमसेल्व सब नहीं होते ना वो कई बार आ, लोग हर्ट हो जाते हैं hmm. हो जाते हैं मतलब फिल्म डरे जैसे मेरा इवन एज एन एक्टर मैंने कुछ अपनी चीज़ों पे अगर जोक मारा है तो मेरे मेकर्स ऑफेंस लिया है उन्होंने बिकॉज उन्होंने बड़े दिल से बनाई है कोई चीज़ शायद आ, मैं थोड़ा ऑब्जेक्टिवली देख पा रहा हूँ बाहर से कि अरे यार ये अच्छी नहीं बन रही लेकिन वो अभी भी अटैच हैं उस चीज़ से तो अगर मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ तो उनको uh, बुरा लगेगा एम एम आई आई सेंस आर यू गेटिंग थिंक सो समझ में आ रहा है मैं बोल क्या रहा हूँ तो हाँ मैंने मैंने उस फिल्म के बारे में ऐसा बोला था अपने इंटरव्यू में कि दिस वॉज द बिगेस्ट फ्लॉप ऑफ दैट ईयर एंड आई वस्ट क्रैकिंग अ जोक ऑन माई सेल्फ बट वो जो डायरेक्टर थी उनको बहुत बुरा लगा और फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं मुझे uh, नाम लेके बुराई नहीं करनी चाहिए mm -hmm. मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी एक फिल्म ऐसी थी या मेरा एक शो ऐसा था अनोनिमस हाँ क्योंकि फिर

In fact, मैं डिप्लोमेटिक हूं तो यू पॉइंट यूट इट्स फाइन हाँ वो तो मैं वो तो मेरी आदत है लेकिन आपको कहीं भी लगे ना कि दीपक लाइन क्रॉस कर रहा है वो एक बार में रोक देना लेकिन अमोल यही तो बात कह रहा है यार सेम तो बात करी थी उसने ऑनेस्टी अपने दोस्तों अपने भाइयों के साथ देखो आप जो शायद समझेंगे आई मीन इफ यू आर क्रिटिसाइजिंग दैम कि नहीं भाई अगर मेरा कुछ काम आता है और मेरी माँ कहती है ये खराब एक्टिंग है तो वो करेक्ट है उसमें गलत नहीं है क्योंकि माँ तो भला ही चाहती है लेकिन बाहर का बंदा ऐसा नहीं लेगा ना यार बाहर का बंदा अलग चीज लगा देगा कि ही इज बिंग अनग्रेटफुल आए मैंने उसको अपॉर्चुनिटी दी है इसी चीज़ की बुराई कर रहा है आप समझ रहे हो लोग तो उस तरीके से देखते हैं फिर आप तो फिर मैं हाँ सो दैट से थिंग और किसी और की बुराई करो आप किसी और की फिल्म की वो तो ऑफेंस लेगा ही लेगा क्योंकि उसको लग रहा है हमने तो मास्टर बनाया भाई और ये है क्या और अब आप इंडस्ट्री के भी पार्ट हो गए अब आप नॉर्मल ऑडियंस भी नहीं हो मेरा तो इस पर तो तो हाँ। चलो इस बारे में तो बोल नहीं यार नहीं बोलता हूँ नाम लेके नहीं बोलता हूँ ठीक है प्लीज अब आप समझना क्योंकि मैं बहुत प्रोनाउंस ही यूज करूंगा हुआ क्या मैं एक फिल्म देखने गया और

ओके okay, ओके okay, तो नहीं आप, वो तो ऐसे कुछ ऐसा वाला वो अलग हंसी थी वो वो इस, लेकिन, अलग थी। लेकिन, अलग थी। लेकिन, लेकिन बहुत बढ़िया था हाँ। ऐसा था कि वो मतलब उसमें फिर आपने वो बोला और फिर आपने आपने रियलाइज किया कि आपने क्या फनी बात बोल दी है और आप हंस हाँ। रहे थे हाँ, हाँ। बहुत मजेदार हंसी कई थी। बार वो हंसी लोगों को वो अननेचुरल हंसी लगती है यार वो वो यारे खुद की हंसी है वो कई बार लोग को कहते हैं कि अरे फेक कर रहा है तू मैं वही वाली हंसी जो मैं उस हाँ। पॉइंट पे हंसता खैर ये किसी को समझ में आएगा नहीं हम क्या बात कर नहीं, रहे हैं नहीं नहीं तो, हम क्लिप पे छोड़ दो आप, आप है, अपनी बात हाँ मैं क्या बात हां तो मैं वो मैं बताता हूं एक्चुअली बहुत मुझे सीख, सीखा है मैंने ये आपने कहीं बात नहीं की ना और नहीं आई डोंट थिंक सो पर्सनल लेवल पे बात करी होगी हां ठीक है आ जाओ लेकिन नाम लेके तो नहीं बोलूंगा ठीक है एक फिल्म अभी मुझे लगता नहीं है मैं शायद मैं एक्टर बन गया था मेरी शायद पहली फिल्म आ चुकी थी मेरे को पक्का याद नहीं है तो मैं एक फिल्म की आ, फिल्म देखने गया दो फ्रेंड्स के साथ दोनों डायरेक्टर फ्रेंड्स कौन से साल की बात आई आई थिंक पंद्रह या चौदह होगा ठीक है अभी एम डी देख लेता तो हूँ फिल्म कब आई थी तो देखो पता, ना पता लग जाएगा देखो फिर ये भी पता लग जाएगा कि मैं एक्टर बन के प्रसिद्ध हो गया था फोन थोड़ा फोन कौन सा यूज करते हो पिक्सल पिक्सल बढ़िया है बर्लिन में खरीदा था बर्लिन में वहाँ फोन टूट गया था एक्चुअली मेरा कैसे वरना तो वही चल रहा होता मेरा कौन सा चल रहा था पहले पिक्सल फोर एंड्रॉइड वाले हो हाँ यार जिस चीज़ को पकड़ लेते हैं फिर उसी को चिपक जाते हैं थोड़ा वो है होल्ड दिस थॉट आएंगे फिर <laughs> है ना <laughs> क्या दिखना था मुझे हाँ। <laughs> तो हाँ ऐसा है टाइपिंग पंद्रह की पंद्रह की बात है टाइपिंग स्पीड क्या होगी आपकी मेरी कोई फास्ट तो नहीं होगी यार टाइप चलो मैं अच्छा वर्ड्स पर मिनट के मतलब कैसे हाँ, मतलब के, ऐसा कुछ फटाफट फटाफट टाइप कर देते हो कि आराम से देख देख के खोज खोज के क्यू के बाद डब्ल्यू के बाद ई e के बाद हाँ, तो ये हो जाता है ना अब तो अच्छा तो स्लाइड हो जाता हां हाँ, तो उसमें तो फिर हां ठीक है ठीक है आ जाओ 2015 की फिल्म थी फिर हम्म तो मुझे लग रहा है पिक्चर्स पिक्चर्स आ चुका था पिक्चर्स तो आ गया था 15 16 15 में आया ना हां तो हो सकता है सेमी पॉपुलर हो गया था पता नहीं जो भी पिक्चर्स आ चुका था तो मैं पिक्चर देख के आया और पिक्चर देखते ही ना बाहर वो खड़े थे वो माइक लेके खड़े होते हैं ना ऐसी मूवमेंट डाल दिया था कि हाँ कैसी लगी फिल्म तो लोग निकल रहे होंगे तो मैं ज़्यादा अपना राजीव मसंद बन रहा हूँ वहाँ पर मैंने वो अपना रिव्यू दे दिया <laughs> तो, तो, और आ, मैंने कहा ठीक है हालाँकि पीछे से मैंने दे, देखा कि मेरा जो खास डायरेक्टर दोस्त है वो पीछे से भागते हुए गया नहीं मुझे तो ना ऐसा एक वो पीछे भागते हुए गया और वो मैं अपना रिव्यू देख के निकल रहा हूँ तो उसने मुझे कहा देखो उसने कहा देखो नवीन अब तुम थोड़े पॉपुलर आदमी हो ठीक है पीपल नो यू पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री ये सब मत क्या करो मैं यार ठीक है यार क्या अपन डरते हैं क्या किसी से ठीक है जो था हो गया तो बात हो गई बात ख़त्म हो गई सब कुछ कुछ दिन बाद मेरे को एक मेरे दोस्त का फोन आया उसका नाम ले सकता हूँ मैं हार्दिक मेहता बिकॉज uh, तो उसने मुझे कहा कि यार हम ना एक शो के लिए आगे चल के वो बहुत बड़ा शो बना मैं शो का नाम लूँगा ना डायरेक्टर का क्योंकि उस शो को उस डायरेक्टर ने डायरेक्ट भी नहीं किया तो उसने कहा कि वो डायरेक्टर कास्ट क्या सोच रहा था कास्टिंग का तो मैंने एक रोल के लिए तेरा नाम सजेस्ट किया तो उस डायरेक्टर ने मुझे कहा कौन नवीन कस्तूरिया बुला उस बहन के बोला उसने तो हार्दिक भी घबरा गया यार ये क्या मैं अपने दोस्त का नाम बोल रहा हूँ और ऐसा क्या हो गया तो, तो और उसने कहा बुरा उसको उसकी मैं आंड मारता हूँ ऐसा करके और डायरेक्टर ने बोला तो हार्दिक को समझ में नहीं आया हुआ क्या तो फिर उस डायरेक्टर ने लैपटॉप खोला और अपनी फिल्म के रिएक्शंस वीडियो उसने डाले सबसे पहला जो वीडियो आया हुआ था उसमें थंबनेल मेरा ही बना हुआ था मेरा ही थंबनेल बना हुआ था और वो वीडियो खोला तो लोग लोगों का क्या हो रहा है कि लोग कह रहे हैं कि अरे बहुत अच्छी पिक्चर थी मजा आ गया ये वो सब सब तारीफ एक आया अपना अनुपमा चोपड़ा बनते हुए जो जिसने कहा कि ओके, ओके थी एवरेज तो दैट्स व्हेन आई रियलाइज के सब सब देख रहे हैं तो अगर आप मेरे से यहाँ फिल्म की बातें करोगे ना नहीं फिर क्या हुआ स्टोरी तो कम्प्लीट तो फिल्म तो की क्या उसने मुझे कास्ट नहीं किया फिर उसके लिए बट उस और आगे भी कभी कास्ट नहीं किया जबकि वो बहुत अच्छा डायरेक्टर है आप बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं क्योंकि उनको तो पता होगा मैं उनकी बात कर रहा हूं <laughs> तो हा सो एंड तो नुकसान तो कर दिया ना मैंने अपना यू गेटिंग एम लोग कह रहे हैं कि आप ऑनेस्ट लोग लोग ऑनेस्टली बात क्यों नहीं करते बट वो सेल्फ डैमेजिंग है यार वो हाउ डू पिक आई आई इफ लाइक इट यार पिक्चर्स पे आ जाते हैं तू बियर है कहाँ से शुरू हुआ ये किसकी किसका आइडिया था तू बियर है पहला एपिसोड का नाम देना तू है ये कहाँ से यार है? अभी तो देखो बहुत सारे लोग आके क्लेम करते हैं मेरा है, मेरा है, मेरा है। पॉपुलर होती है तो लोग यही करते हैं ठीक <laughs> है मेरे को के पार 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 नहीं कह दिया यार, तुमने मुझे नहीं यार। मैं, मेरी कास्टिंग हुई है तो लेकिन मेरे को तो मेरे रूममेट ने बताया था विश्वपति सरकार जो लेखक भी हैं उसके सो ही टोल्ड मी अबाउट द शो एंड ही टोल्ड मी दैट आई कंसिडर्ड शो अभी अभी काफी लोग बोलते हैं कि हमारी वजह से तुझे वो शो मिला है तो हाँ। ये ये क्लेम फेम वाली बात है उनके लिए नहीं वो खुद भी बड़े हैं क्यों नहीं? बोलते हैं ऐसा लोग पता नहीं आउट ऑफ अगर पांच uh... लोग क्यों बोल रहे हैं कि ये तुम आई डोंट नो यार मुझे नहीं समझ में आता थॉट आता तो आउट ऑफ इनसिक्योरिटी ही है आप क्या बोलोगे अगर आपने आ, मतलब हाँ आप को लगा कि ये इसके लिए सही है और ये बंदा इस रोल के लिए सही है तो आपने तो अपने फिल्म के लिए सोचा अब आप ये चाहोगे कि आदमी लाइफ भर आपको थैंक्स कहता रहे hmm. और वो है ग्रेटफुल लेकिन उसको बार बार रियलाइज़ कराना तो आई डोंट थिंक इट्स गुड थिंग एंड हो सकता है मैंने भी कई जगह अपने दोस्तों को रिकमेंड किया हो यू hmm. नो you know? कि इसके लिए इसको ले सकते हैं इसको लू बट uh, मुझे याद भी नहीं है लेकिन मैं शो की भलाई देख रहा या फिल्म की भलाई देख रहा उसमें उसका उसका करियर बनाने में, में मेरा हाथ नहीं है मुझे उसकी ज़रूरत थी hmm. तभी मैंने उसका नाम सजेस्ट किया ना hmm. कह रही ये बहुत बढ़िया रहेगा इसके लिए यू yeah, yeah. <laughs> <laughs> मैं कोई, सॉरी कोई मैं क्या क्या जनवरी तो नहीं हूं? मैं हूं। अरे तो एक ही बात है अक्वेरियन हो क्या? अक्वेरियन स्मार्ट होते हैं। नहीं, मैं, अक्वेरियन हूं। अच्छा, मैं अभी गया यार। बताओ तो कभी कल था गणतंत्र दिवस अरे यार ऐसे भारी आदमी छब्बीस जनवरी डायरेक्ट नहीं बोल सकता आदमी गणतंत्र दिवस तो हाँ 26 जैन क्यों नहीं बोल रहे हो

भाई मैं साढ़े पाँच हो और मैं बारह बजे उठाऊँ मैं नौ बजे उठ गया तो तुम ढाई घंटे सोए बस हाँ तुम्हारे चश्मे लगे हुए हैं ना तो बच जाते हो चश्मे से आदमी बच जाता, तो... जाता है आँखें छुप जाती हैं आंखें चश्मे पता है चश्मे से छुप जाता है आदमी और दाढ़ी से भी छुप जाता है दाढ़ी से भी छुप जाता है करेक्ट है ना हाँ 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 क्योंकि इसके अंदर अगर कोई पिंपल है तो दिखता नहीं है पिंपल झुके तो फिर क्या दिक्कत है मतलब स्किन का जो एज हो ना स्किन ही छुप जाती है ना स्किन तो मेरी ठीक है तुम्हारी तो तो तुम छोटे हो यार क्या लगता है जी मेरी उम्र क्या है तुम सोलह सत्रह साल के लगते हो हाँ यार यार मैं बारह साल का <laughs> <laughs> <अगर अपता laughs> अरे अरे <laughs> अरे भाई <laughs> वो कह रहे जोक की भी हाथ होती है भाई <laughs> दोनों पागल है एक सोलह बोल रहा है सामने वाला तो टॉप टॉप भी मैं बारह बोल रहा है मतलब तो यहाँ पे कोई मुझे मुझे रहा कि अरे भाई, इजी, इजी। लोगों का बहुत पूछते वो बड़ी भी लग रही होती है तो मैं बोलता <laughs> छोटा ही गया मेरे को आप बताओ कि जैसे हम बात कर रहे थे कि गर्लफ्रेंड तो है नहीं तो आप किस के साथ बता रहे थे टू मच इन्फॉर्मेशन आई डेंट वॉन्ट टू नो बट आपने बता दिया ठीक है कोई बात नहीं बट गर्लफ्रेंड लास्ट कब रही थी लास्ट सीरियस बात यही वाली है ना ये सीरियस बात है ये सीरियस बात है ये सीरियस नहीं लग रहा आपको रिलेशनशिप सीरियस नहीं लग रहा मेरे ख्याल में लेते हो आप मेरे ख्याल से तो पिछला मई लास्ट मई हाँ मेरे हिसाब से नहीं ये क्या मतलब है उसके हिसाब से पता नहीं हो सकता और भी पहले मेरे हिसाब से तो मई में अलग हुए हम अच्छा तो हां मई 2023 हम क्या था ब्रेक मैं पूछ सकता हूं ब्रेकअप का कारण पूछ सकता हूं यार मुझे कई कारण होते हैं एक कारण तो होता नहीं है बताओ तो आई थिंक काफी समय से नहीं बन रही थी मतलब I think बहुत अच्छी इंसान है वो और बहुत सुंदर है आ, है। हाँ। बत, आ, बत नहीं बन। कह रहे इतने के बाद तो बनी गई है। तो <laughs> 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 नहीं नहीं अच्छी एक्टर है बड़ी और sure. लेकिन लेकिन हाँ यार बस बन नहीं रही थी मैं क्या बोलूँ आई थिंक uh, मैं भी थोड़ा शायद डिफिकल्ट इंसान हूँ और uh, तो वहाँ यही बोलूँगा बन नहीं रही थी आई थिंक बहुत डिसग्रीमेंट्स हो रहे थे काफ़ी uh, मिल भी नहीं पा रहे थे मेरे लिए तो कारण ये है कि हम मिल ही नहीं पाते थे बॉम्बे की है बॉम्बे की है हाँ फिर भी नहीं मिल पा रहे थे फिर भी नहीं मिल पा रहे थे मतलब आप बहुत बिजी थे मैं तो कहाँ बिजी होता हूँ यार मैं तो uh, मतलब आप शायद बहुत फ्री थे ये भी कारण हो सकता है बहुत फ्री भी नहीं हूँ मैं लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है कि जब हम फ्री हैं तो हम इतना टाइम नहीं निकाल पाते थे एक दूसरे के लिए और मुझे भी लगता है टाइम स्पेंड करना तो बहुत बेसिक सी चीज है सो आई थिंक दैट वॉज द रीजन अकॉर्डिंग टू मी अगर उससे पूछोगे तो वो कहेगी कि बड़ा ही घटिया आदमी था तो तो आई डोंट मेरे हिसाब से तो ये था कि हम लोग टाइम मैं ऑफ कैमरा उस ऐप से जानना चाहूँगा हाँ और उनसे उनको भी बुलाना चाहूंगा पॉडकास्ट वो मतलब ऐसी होती है एक्चुअली मतलब

वो हर चीज़ बहुत हल्के में मतलब जोक वे में एज एन कॉमेडी करते हुए रिस्पोंड करती है hmm. जैसे मैं कई बार कई चीज़ों में इंटेंस हो सकता हूँ यू नो कुछ चीज़ों का मैं मेरे ख्याल से तो हर चीज़ का ऑनेस्टली जवाब देने की कोशिश करता हूँ तभी फंसता भी हूँ वो मजाक करेगी hmm. उसका रियल पर्सनैलिटी उसका रियल सेल्फ इंटरव्यूज में देखना बहुत मुश्किल है जो hmm. द, uh, जो मैंने रिलाइज़ किया मैं hmm. उसका एकदम विपरीत हूँ आई थिंक एम वेरी क्लोज टू माई रियल सेल्फ इवन इन

इंडिया की नहीं बात कर रहा इंडिया में भी तो आपने साल की पांच बेस्ट परफॉर्मेंसेज के पांच एक्टर्स को बुलाया और जैसे राजीव मसन पहले जो होस्ट करते थे तो मुझे बहुत पसंद आती थी वो राउंड टेबल्स कि एवरीबडी हैज़ बीन कॉल्ड फॉर अ पर्टिकुलर परफॉर्मेंस एंड देयर डिस्कसिंग दैट परफॉर्मेंस या उनका किस तरीके से वो अप्रोच किया और जिन एक्टर्स को हम एडमायर कर रहे हैं उनका उन उनका कुछ कुछ प्रोसेस भी आप देख रहे हो तो वो मुझे मजा आता था और मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर मैं भी ऐसी किसी चीज़ का हिस्सा हो पाऊँ लेकिन मैं जिन राउंड टेबल्स पे कई बार जाता हूँ वो ना बस ओ की बात ही कर रहे होते हैं उन्होंने खुद शो नहीं देखा होता है आपका उनको लगता है ये ओ का एक्टर है सो so, बड़े प्रोड्यूसर वाले सवाल पूछते हैं कि एक्टर वाले सवाल नहीं पूछते कि अच्छा बताओ ओ फिल्मों से कैसे फ़र्क है ओ कैसे राइज कर रहा है ओ में बेटर कॉन्टेंट आ रहा है तो मतलब मैं पूछ रहा हूँ मैं क्या डिफरेंस बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है हाँ मैं समझ आ कि एक्टर वाली बात नहीं करते हैं मुझसे

हम लोग नहीं कर पाते हैं यार कोई नहीं कर पाता मैंने जैसे आ, हाँ मतलब लोग नहीं कर पाते हैं आ, तो उन्होंने ये बात बोली कि हमारा मीडिया मुझे सही शब्द मिला उसके लिए सेलिब्रिटी पूजन कहते हैं ना सेलिब्रिटी पूजन वो बहुत होता है यहाँ पे तो जो मीडिया भी है ना वो बड़े स्टार से ऑप्सेस्ड है तो अगर वो आपका इंटरव्यू कर रहा आ, उनके लिए आ, आप बस एक ओटीटी फेस हो दे माइट नॉट हैव सीन योर शो बिकॉज वो भी आपको जानने में इंटरेस्टेड नहीं है उनका मेन रुचि है कि वो बड़े स्टार्स को इंटरव्यू करें hmm. उनकी चीज़ें उन्होंने फिर भी देखी होंगी तो मीडिया मुझे बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं लगता है आ, आ, इंडिया का एटलीस्ट एटलीस्ट uh, क्या मीडिया तो हर हिसाब से चाहे फिल्म मीडिया हो या अलग मीडिया हो तो दिबाकर ने बात करी uh, मीडिया खुद ही बहुत स्टार ऑप्सेस्ट है स्टार स्ट्रक है सो hmm. so, अगर वो स्टार्स के साथ बैठेंगे तो उनकी उनके प्रेज करते रहेंगे बहुत ज्यादा आपको लगता है इंडिया में ये प्रॉब्लम है कि लोग बहुत जल्दी एक इंसान को भगवान मान लेते हैं आईडल, बहुत ज्यादा हाँ, है। है, है वो हमारे स्टाइल में भी है और आ, जैसे हम एक्टरों को कहानियों से ऊपर मानते हैं यू नो you know? और तभी वो वहीं से आती है वो चीज बिल्कुल है हाँ यह है ना आइडल वर्शिप है बहुत ज्यादा और मे बी वो इंस्पिरेशन ढूंढते हैं क्योंकि देश एक गरीब देश है हमारा तो हमें लगता है कि और सबके पर्सनल गोल्स हैं कि सबको बड़ा बनना है सबको बड़ा बनना है इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इतना है हम हमारे देश का कि हम बड़ा बनना चाहते हैं बड़े लोगों में इंटरेस्टेड हैं स्टेटस वाइज बड़े लोगों में इंटरेस्टेड हैं अब बड़े लोग कुछ भी कर रहे हैं बहुत सारे हमारे एक्टर्स बड़े वो बड़े हैं इस वजह से हम उनको एडमायर करते हैं कुछ स्टार्स को हम एडमायर करते हैं अरे you know, ही इज़ अ सेल्फ मेड मैन यू नो ये इंडस्ट्री का आदमी नहीं था हम उसको इसलिए एडमायर नहीं करते हैं कि वो आर्टिस्ट है यू नो यू यू गेटिंग गेटिंग आई एम यूगे आई एम सिंह सो इट तो इसीलिए आइडल वर्शिप भी बहुत ज़्यादा है बिकॉज वो एस्पिरेशनल हो जाता है क्योंकि गरीबी इतनी ज़्यादा है बाहर के देशों में क्या आई थिंक वो बेसिक स्तर पे ज़्यादातर लोग रह रहे हैं तो वो अमीरियत से इतना आ, इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं अमीरिया तो उन्हें इतनी अट्रैक्ट नहीं कर रही मेरे को पता है बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है एंड आई एम सॉरी ऑल कट यू यर मैं अभी यहाँ गया था बैंगलोर गया था आश्रम आर्ट ऑफ लिविंग का आश्रम के आश्रम में गया था एंड आज होस्टिंग वन ऑफ द इवेंट्स इन फ्रंट ऑफ गुरुदेव श्री रविशंकर जी और मैं एक वॉल्टियर से मिला तो मैं उनको बता रहा था कि मैं पॉडकास्ट करता हूँ और कॉन्टेंट बनाता हूँ वो करता हूँ वो करता हूँ तो वो बड़ा वो हुए कि किस किस को होस्ट किया है तूने क्या क्या किया है मैंने कहा एक्टर्स है क्रिएटर्स है आर जेज है बीट बॉक्सर्स है बहुत सारे लोग हैं तो कहते हैं कि मैंने मैं बता रहा था उनको कि मैंने गजराज सर को होस्ट किया था तो गजराज सर आए थे और मैं बड़ा वो हो गया था स्टार स्ट्रक कि बिकॉज आई वॉज आई हैव एन ओपिनियन आई हैव नेवर मेट अ बिगर स्टार देन गजराज सर इन पर्सन तो मैं बड़ा स्टार स्ट्रक हो गया कि अरे यार तो मैं गजराज सर को इंटरव्यू कर रहा हूँ बड़ा मज़ेदार चीज़ है तो देन दिस पर्सन आस्ट व्यू अ क्वेश्चन कि वाई आर यू पुटिंग योर सेल्फ बिलो हिम इन द हर आर्की वॉट इज द बेसिस तुम अगर उनको वो अडमायर कर रहे हो ये कर रहे हो वो कर रहे हो इट कैन बी इट कैन वेरी वेल बी एट द सेम पडेस्टल ऑल्सो जो बाहर होता है जो बाहर होता है वाई आई हैव यू पुट योर सेल्फ बिलो हिम वैन यू आर सेग दैट यू आर स्टार्ट स्ट्रक इज इट बिकॉज ऑफ द मनी ही मेक्स इज इट बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस ही हैज इज इट बिकॉज ही इज फेमस वॉट इज योर मेट्रिक वाई डू यू पुट योर सेल्फ बिलो हिम एंड देन आस्क हिम और यू नो फ्रेम दॉडकास्ट इन दैट सेंस एंड आई सेट दैट देर इज नो हायरकी अस बट बट द मैन इज मच मोर एक्सपीरियंस एन रेस्पेक्ट हिम फॉर इट डज फॉर वॉट ही डज क्राफ्ट है उनका जो मेरे को पसंद है उनकी स्क्रीन प्रेजेंस मेरे को पसंद है एंड मैन आई मेट द पर्सन हीज ह्यूमिलिटी सो ही आस्ट मी कि तू बड़ा ह्यूमिलिटी को लेके इतना क्यों वो कर रहा है कि इतना हम्बल आदमी है इज इन या मैम या मैं हिल गया सुनके. ये सुन के ये यही तो आता है गरीब का सोच क्या है तेरी बात मतलब मैं दीपक तेरी बात नहीं कर रहा बट गरीब की सोच क्या है कि अरे बहुत अच्छा आदमी है इतना हम्बल है हुँ. हर किसी की तारीफ यही होती है हुँ. इतना हम्बल है अरे हम्बल तो बहुत बहुत नॉर्मल चीज नॉर्मल चीज होनी चाहिए सबको हम्बल होना चाहिए वो मेरे को यही बोल रहा था कि why you starstruck with a person being so humble, irrespective यू स्टार स्ट्रक he is सो हम्बल I said लेवल it's नॉट अ नॉर्मल अकरेंस इट इज नॉट अ नॉर्मल अकरेंस फॉर पीपल टू बी हम्बल एट दैट स्टैचर कई बार पीपल कम अक्रॉस इज वेरी कॉकी जस्ट बिकॉज देर अ सर्टेन लेवल मेरे को नहीं समझ आया वो चीज़ एंड देट इज वॉट आई आंसर डिम बिकॉज मेरे को मैं जिस ग्रुप ऑफ पीपल के साथ हैंग आउट करता हूँ वेदर दे आर अ सेट ऑफ क्रिएटर्स एक्टर्स बंच ऑफ पीपल जो जिनको मैं जानता हूँ मे बी पॉडकास्ट के वाया जानता हूँ बहुत लोगों को एंड आई हैीन पीपल चेंज लाइक दिस अभी तो ब्लू टिक बड़ा वो हो गया है नॉर्मल सा हो गया बट वेन ब्लू टिक मेंट वॉज अ रियल थिंग कि यार ठीक है एक वेरीफिकेशन है एक बड़ा वो है पता नहीं क्या है बट एनी वे आई सॉ पीपल चेंज बिकॉज दे गॉट वेरीफाइड ऑन इंस्टाग्राम ज दैट इविन अ स्टैचर टू बी प्राउड ऑफ मैं मैं समझ नहीं पाया वो चीज़ बिकॉज आई 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 सॉ पीपल चेंज विथ सम हाउ डू एट इट विथ समलिडेशन दैट दे गॉड फ्राम पीपल और फ्रॉम अ सोसाइटल पी ओ वी कि नहीं मैं तो ये हूँ इज्जत दे के बाद बात कर एंड दैट इज वाई आई टोल्ड इम दैट इफ समबडी एट दैट स्टैचर

Hmm. वो चाहे स्ट्राचर की वजह से हो या उम्र की वजह से हो hmm. लेकिन भक्ति से मेरे को इशू होता है hmm. भक्ति भगवान बनाना दैट्स hmm. मेरे को कोई ये तो हमारे कल्चर में अच्छी चीज़ है यार बड़े इंसान को आप आप करके बात करते हो आई रियली लाइक दैट यू नो एक वो, वो 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 बेसिक होना अच्छी बात है बट मैं जो कह रहा था ना कि, आ, कि जो आइडल वर्शिप की चीज़ होती है hmm. कि हम आ, वो सेलिब्रिटी पूजन की जो बात हो रही होती है कि कोई ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा है और उसको आप कट कट्टरबंदी की बात कि इसने जो किया है वो सही सही है वो मुझे इशू लगता है जो अभी दीपक हम बात कर रहे हैं वो इसलिए भी है मतलब मेरे हिसाब से इट बॉयल्स डाउन टू द फैक्ट कि जो डिस्पैरिटी है ना हिंदुस्तान में आज भी जो इंग्लिश बोलता है वो थोड़ा सुपीरियर माना जाता है करेक्ट ये कल्चर में बिल्कुल करेक्ट है ये कल्चर में है बिल्कुल करेक्ट है तो तो हाँ और, बहु, और बहुत सारे लोग जो नहीं बोलते हैं वो थोड़ा खुद को इन्फीरियर मानते हैं मानते हैं इसलिए वो चीज़ एस्पिरेशनल हो जाती है सिमिलरली पैसे से बहुत यू you नो know, बहुत सारे लोग यहाँ बड़ी गाड़ी चाहते हैं बहुत सारा पैसा चाहते हैं गोल ही यही है इंडिया में मुझे ऐसा लगता है बिकॉज वाइल्ड ग्रोइंग अप यस सब ने ऐसा फील किया है कि हम कुछ नहीं है हुँ. तो उनका मुद्दा ही ये बन जाता है कि हम बड़े होके बहुत पैसा कमाएँगे और जिसने बहुत पैसा कमाया है वो एस्परेशनल हो जाता है हुँ. मतलब वही दे स्टार्ट लुकिंग अप टू दैट अब वो वहाँ कैसे पहुँचा है वो क्या वो मतलब फिर बेसिकली वो 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 वही चाहते दिखती हैं। को. वही पोजीशन पोजीशन चाहते चाहते हैं हैं और वो फिर मतलब मैं 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 बहुत क्लियर थॉट्स नहीं नहीं मेरे को लगता है समझ गया आर्टिकुलेट कर बोलना चाह रहे हो कि आ, अगर एक इंसान ब्रॉडर परस्पेक्टिव अगर मैं लू तो वो ये है कि हर इंसान एक स्टेटस चाहता है अगर मैंने किसी को देखा मान लो नवीन कस्तूरिया को मैं देख रहा हूँ जैसे मैं एक थॉट बोलता हूँ एक हाँ, थॉट हाँ, हाँ हाँ कोई बड़े घर की औलादे हैं फॉर एग्जाम्पल हाँ, उनमें वो इनसिक्योरिटी नहीं है वो आपको नॉर्मल तरीके से डील करते हैं तो वो कहाँ से आ रहा है वो मतलब मैं एक ऐसे डायरेक्टर को भी जानता हूँ जो डिम्पल कबाड़िया से भी ऐसे बात करता है कि एज एफ के बराबर की है यू नो अब वो तो एज वाइज भी सीनियर है और एज एन आर्टिस्ट भी बहुत बड़ी है करेक्ट लेकिन वो सेम लेवल पे बात करता है हुँ. लेकिन हम मतलब हम बिकॉज हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं हुँ. तो हम तो मे भी शायद हमारी एज का ही बंदा होगा बट अगर वो फिल्म एक्टर है हुँ. तो कहीं ना कहीं एक डिफरेंस डिफरेंस आ जाता है आप, आप, आप करके ड्रेस करोगे मे बी एंड इतना मैं नाम लेके अगर बात करूँ ना इट्स गोइंग टू हेल्प मी गिटल मोर बट वो मैं नहीं लेना चाहता मैं कह रहा हूँ कि वेल्थ uh, का बहुत बड़ा रीज़न है अ इन रिस्पेक्टिंग पर्सन मेजॉरिटी बिकॉज जो इंडिया फॉलो करता है बिकॉज पीपल वॉन्ट टू रीच द रीजन के फॉर एग्जाम्पल लेट्स मेक इट वेरी इजी फॉर द ऑडियंस ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नवीन कस्तूरिया को आइडलाइज करता हूँ मैं बोलता हूँ कि नवीन कस्तूरिया बहुत ही आ, बेबाक एक्टर है बहुत ही बढ़िया स्क्रिप्ट्स और चूज़ करता है और सब कुछ बहुत मज़ेदार करता ये है।, मेरी है ये आपकी ठंडी होगी अब तो कोई नहीं आ, बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट चूज़ करता है और बहुत अच्छा काम करता है और बहुत पैसे छापता है बी एमडब्ल्यू आउडी चलाता है और आ, फाइव बी में रहता है बॉम्बे के शहर में कार्टर रोड में रहता है तो ये था कि अब वो आइडलाइज वाला हिसाब किताब है कि मैं नवीन को आइडलाइज कर रहा हूं बिकॉज आई वॉन्ट टू रीच अटन ले राइट वेल्थ इन दैट केस बिकम्स यस राइट वेल्थ प्लस लाइफ स्टाइल एंड ऑब्वियस ब्रॉडर सेंस में वेल्थ ही है लाइफ स्टाइल कहां से आती है होगी नहीं, नहीं रहेगी, मतलब तो वो वेल्थ को आप आइडलाइज कर रहे हो एंड irrespective ऑफ वॉट एवर वर्क दैट दिस पर्सन डज यू डोंट केयर आप उस काम के लिए उस बंदे को आइडलाइज नहीं कर रहे आप उसकी लाइफ स्टाइल या उसके उस तो मैं नवीन कस्तूरिया को उसके एक्टिंग के लिए आइडलाइज नहीं कर रहा कि यार नवीन कस्तूरिया एक्सपीरियंस भी बढ़िया कर रहा है और पिक्चर्स भी बढ़िया कर रहा है और चार चीज़ें और अच्छा कर रहा है और ए डी भी था और ये भी था और घर वालों को दुबई भी लेकर चला गया मतलब ये सब ये सब, ये सब इस जो इंसान है उसको आइडलाइज नहीं कर रहा उसकी मटीरियलिज्म को आइटिलाइज कर रहा है एब्सोल्युटली एकदम सही बोल रहे हो। क्यों है ये प्रॉब्लम क्यों है प्रॉब्लम वाई इज ह्यूमिलिटी कह रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ इंडिया सफर्स inferiority complex. कॉम्प्लेक्स हाँ. सो so, गरीब आदमी क्या देखता है कि बड़े आदमी से जब मिला तो उसने उससे प्यार से बात कर ली तो उसको हुँ. लगता है कि ये आदमी बहुत प्यारा है जस्ट बिकॉज उसने प्यार से बात कर ली क्योंकि वो कस्टम्ड है इस चीज़ को के के उसको डर लगता है कि मेरी बेजती ना हो जाए कहीं क्योंकि मैं गरीब हूँ अब इसने मेरी बेजती नहीं करी तो ये अच्छा आदमी है समझे मैं क्या कह रहा हूँ तो हाँ आई थिंक uh, एक कारण के गरीब हैं बहुत ज़्यादा और उस वजह से फिर इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है अगर एज कम्पेयर टू समबडी हु इज़ नॉट एज सक्सेसफुल आई मीन हु माइट नॉट बी एज सक्सेसफुल एज गरीब गए बट ही कम्स फ्रॉम अ वेल्दी फैमिली तो ही वो बड़ा ही सिक्योरिटी के साथ हुआ है गरीब आदमी क्या है मतलब जो भी मिडिल क्लास कह लो लोअर मिडिल क्लास कह लो उसने बड़े होते होते बहुत डिस्पैरिटी देखी है उसने अपने आस बहुत अमीरियत देखी है हिंदुस्तान में क्योंकि अमीरियत भी बहुत है तो और उसको लगता है कि अरे यार इस, इनको जितनी इज्जत मिलती है मेरे बाप को इतनी इज्जत नहीं मिलती है मे भी Hmm. तो उस कॉम्प्लेक्स से वो बड़ा होता है इसमें अब दो चीज़ें आती हैं ज्यादातर इंडिया में क्या होता है कि हम हम बड़े आदमी की बहुत ज़्यादा जी हजूरी करते हैं और हम छोटे आदमी से गलत तरीके से बात करते हैं hmm. ये बहुत ज़्यादा है इंडिया में तो बहुत ज़्यादा है hmm. कहते हैं ना इंसान की इज्जत नहीं है hmm. इंसान की कम इज्जत है नहीं एज hmm. कम्पेयर टू बाहर बाहर तो आप चाहे प्लम्बर भी हो कोई कारपेंटर भी हो आप इज्जत आपको जरूर देके बात करनी होगी चाहे गार्ड भी हो आप गलत तरीके से बात नहीं कर सकते हो इंडिया में मेरे को पता है क्या दिक्कत है इंडिया में इंटाइटमेंट बहुत है हाँ क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ आप हम ना बड़े इधर से उधर इधर से उधर से जा रहे हैं लेकिन आ, नहीं ये मेरे को अच्छा लग रहा है चेन ऑफ था मैंने बात कभी की नहीं है मेरे को लग रहा है आपसे बढ़िया लेवल पर बात हो रही है ये यार ये 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 ये, ये सेगवेस आपको कोई दिक्कत तो नहीं है नहीं नहीं मैं यही अच्छी बात है यार ये मैं खुद भी मुझे प्रॉब्लम हो रही है कि मैं अच्छे से आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहा लेकिन आई आई एम ऑल्सो वेरी पैशनेट अबाउट दिस दिस थिंग वाई ह्यूमन्स स्पेशली इन इंडिया बिहेव द वे दे बिहेव यू नो क्यों है ऐसा ये सेम चीज़ें कि हम आ, और ये कि भक्ति क्यों है इतनी आइडल वर्डशिप वहाँ से स्टार्ट किया था ना हमने कि भगवान कैसे बना देते हैं हम किसी को और एक आ, के ह्यूमिलिटी क्यों इतनी सेलिब्रेट करते हैं ह्यूमिलिटी जो कि सब में होनी चाहिए जब आप सड़क पर रुकते हो और एक एक आदमी आपको बताता है कि के रास्ता कहाँ है आप कहीं भी इंडिया में ट्रैवल करो मुझे ऐसा लगता है लोग बड़े अच्छे हैं लोकल मतलब दिल्ली बॉम्बे में आपको बदमाश दिखेंगे क्योंकि जो बहुत एम्बिशस होता है मुझे ज़्यादातर ये बहुत अपॉर्चुनिटी वाले शहर है ना तो यहाँ पे आपको स्टिल बदमाश लोग ज़्यादा दिखेंगे छोटे शहरों में तो मुझे ऐसा लगता है लोग मदद करते हैं आपकी यार यहाँ भी करते होंगे बट जैसे इंडिया के किसी भी आप शहर में चले जाओ ना मैं पटना में था चालीस दिन मुझे इतने ज़्यादा वॉम लोग लगे वहां के यार दीपक बहुत ज़्यादा वार्म जिन, जिनको बड़ा बनने का लालच नहीं है और दिल्ली बॉम्बे में शायद वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा बड़ा बनना चाहते हैं और उन्हीं लोगों में ये चीज़ है कि आप आप बड़े की बहुत ज़्यादा जीजूरी कर रहे हो और जो आपसे मतलब बहुत स्टेटस स्टेटस हुँ। खेल रहे हो सर मैं भूल गया हम बात क्या कर रहे थे वही सेलिब्रिटी पूजा आइडल पता नहीं है बड़ा समथिंग टू बी सॉल्व फॉर कैसे चेंज हुआ नहीं मे, या, या, ये ये मेरे ख्याल से तो ये सॉल्व तभी होगा जब सब के सब सेम स्तर पे आने लगेंगे जब लोगों का स्तर उठेगा वो एजुकेशन से उठेगा लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग मुझे पता नहीं कि अभी क्या स्टेटस है क्या डाइवर्सिटी मतलब ये गरीब और अमीर में और डिफरेंस बढ़ रहा है तो ये और रहेगा बट आप बताओ कि शो इज़ लाइक एस्पिरियंस हाँ इज इट हाउ डू हाउ डू सी द शो चेंजिंग द माइंड ऑफ पीपल एस्पिरियंस हाँ आई it's इट्स इट्स चेंजिंग द माइंड people. क्या कर रहा है शो ऐसा नहीं मुझे लगता है कि शो शो का पर्पस ये है कि वो द, अच्छा ड्रामा होना चाहिए ताकि वो उस टाइम तक टाइम पीपल इट दे शुड should होप्ड एंड इट शुड एंगेज पीपल एंड आई to द माइंड सेट ऑफ द पीपल मुझे ऐसा लगता है कि उसमें ओरिजिनल चीज़ मुझे ये लगी कि हमने जनरली जब भी हमने पहली बार ऐसा दिखाया है कि एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया एडमिनिस्ट्रेशन आ, भी किस तरीके से काम करता है तो तो ज, जैसे मैं कहीं पढ़ रहा था उसमें पुरानी फिल्मों में दिखाते थे ना कि जो एक जमींदार है वो बुरा आदमी होता था और जो गांव वाले होते थे वो हमेशा एक्सप्लॉयट होते थे हमने इस बार ये दिखाया कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है ही कैन ऑल्सो मतलब उसका भी एक पी है वो भी स्ट्रगल कर सकता है ऐसा एक साइड दिखा मुझे सो so, वो मुझे एक नई चीज़ दिखी और दूसरी मुझे नई चीज़ ये दिखी कि हमने कभी एक आई को काम करते हुए नजर नहीं दिखा है मुझे नहीं पता कि कोई इंडियन स्टोरी है जिसमें एक आई ऑफिसर काम कैसे करता है आ, वो हमने किसी भी इंडियन स्टोरी में एक्सप्लोर किया हो तो मुझे वो नई चीज़ें लगी बाकी वो माइंडसेट कैसे बदलेगा माइंडसेट नहीं बदलेगा है ना इन सबसे क्या बातें हुई थी यार गजरात सर से और अमोल से और फिल्मों की बातें होती हैं

परसेप्शन क्रिएट करो और आपको और वेल्थ आती रहेगी लेकिन अगर काम एस्पायर कर रहे हो तो मुझे लगता है अगर हिंदुस्तान में सब काम एस्पायर करेंगे तो देश ज़्यादा ग्रो करेगा अगर मैं एक्टिंग कर रहा हूँ तो मैं ऑनेस्टली एक्टिंग करूँ मतलब मेरे काम में सच्चाई हो मैं काम अपना शिद्दत से कर रहा हूँ और हर कोई अगर अपना काम शिद्दत से करेगा कि मैं इस क्षेत्र का मंत्री हूँ मुझे क्षेत्र को ग्रो करवाना है मेरा मेन मुद्दा वो है अगर मेरा मेन मुद्दा वेल्थ है फिर तो गया फिर तो बजिया बैंड है ना अभी अभी तक हम यही क्रिटिसाइज करते हैं ना हाँ। कि जो हैं सालों से फिल्में बन रही हैं कि भाई पैसा खाते हैं लोग पुलिस पैसा खाती है ये ये सब उसका कारण यही है यार और ये सारी बातें उसमें लिंक होती हैं दीपक कि मिनिमम वेजेस नहीं है एक्सपॉर्टेशन होता है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है ये सारे ही कारण हैं यार कि हम लोग सफर कर रहे हैं और हमारा वेल्थ ही गोल बना रहता है और अब सबका वेल्थ गोल कैसे हटे सबका धीरे धीरे स्टेटस ऊपर करना पड़ेगा और वो पढ़ाई से ही होगा पढ़ाई सब पढ़े लिखे हैं फॉर एग्जाम्पल इंडिया में सब पढ़े लिखे हैं ऑलरेडी एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कुछों में कॉम्प्लेक्स का ही होगा क्या है एक तो पढ़ाई का होगा और एक पैसे का होगा अब पढ़ाई से सब कोई हर कोई में ये भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा मैं पैसा कमा सकता हूँ अगर हम ये थॉट डाल दें लोगों के अंदर कि आप काम जितना सच्चाई से करोगे उतना ज़्यादा पैसा कमाओगे ये एजुकेशन से ये आना चाहिए मेरे हिसाब से फिर काम में लोग सिंसेरिटी लाएंगे ऑनस्टनेस लाएंगे और फिर एज अ होल कंट्री ग्रो करेगा और मुझे लगता है ये इस किस्म का जो डिवाइड है वो भी कम होगा वो जो आइडल वर्शिप है आइडल वर्शिप बड़ा फेक है यार यू you नो know, जो आइडल बने हैं वो आइडल बने रहना चाह बने रहने जाना बने क्या बने रहना चा, रहना चाहते हैं।, हैं और उसी में फिर वो क्योंकि अब वो बहुत वेल्दी हैं वो उस पैसे से बनाए रखते हैं और वो कोई भी हो सकते हैं मतलब वो ये अब तक ये चीज़ एक्टर्स की मानी जाती थी एक्टर्स hmm. का तो मेरे को फिर भी लगता है कि वो जितना पीआर कर रहे हैं अपने पैसे से कर रहे हैं hmm. पॉलिटिशियन वो पीआर तो आपके पैसे से कर रहा है है कि नहीं उसके कपड़े उसका ट्रैवल उसका सब कुछ आपके पैसे से और वो पैसा आपकी ग्रोथ के लिए लगना चाहिए था है ना एक्टर को तो हम एक्टर को ट्रोल करते हैं क्रिटिसाइज करते हैं एक्टर का तो धंधा ही माना चाहता था ना ये तो ये तो फेम के लिए आया था ये तो शोशे के लिए आया था उसने पैसा कमा लिया अब वो अपने पैसे से अपना ही प्रचार कर रहा है दिस वेरी लाइक फिल्मी थिंग, लेकिन अभी इतनी लेजिटिमेट हो गई धंधे में कि मीडिया तो कोई भी कंट्रोल कर सकता है जिसके पास पैसा है hmm. वो अपनी खबरें डाल सकता है मुझे ऐसा लगा कि, क्यों? नहीं, मुझे ऐसा लगा क्यों ऐसा लगा इट सीम लाइक लाइक एन एंडिंग लाइन टू समथिंग आपको किस बारे में बात करनी है नहीं मुझे कुछ बात नहीं करनी है मतलब कुछ बात नहीं करनी तो, तो मैं तो पूछ ही रहा हूँ कैर वी अबाउट टू तो एंड दिस पॉडकास्ट गीत टोन नॉर्मल नहीं था <laughs> 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 फिर हेरा फेरी सॉरी फिर हेरा फेरी या हेरा फेरी हेरा फेरी फिर हेरा फेरी मैंने देखी नहीं देखी नहीं यार रह गई मतलब नहीं देखी अभी तक

आठ मिनट आज का है ना ये अरे आज का आठ मिनट है यार आज मैं बिजी था ना आठ मिनट बस अरे आज मैं बिजी था ये आठ मिनट कैसे ये आज किसको गिन रहा है ये ये आप एक बार देखो डेट देखो आप ठीक है यार कैसे हो सकता है सुबह तो मैं जा... ये फिफ्टीन नाइन मिनट दिखा रहा है यार ये डेली एवरेज आपका आठ मिनट है ये कुछ फ्रॉड है क्या मेरे को पता है मेरे को आ...

ऐसा हो ही ना इसलिए मुझे सुधरने mm -hmm. की जरूरत है मैं कुछ कुछ सेंस करने लग जाता मेरे को, हूं मेरे को आ, आपको क्या लगता है मैं कैसा हूं? नहीं मैं बताता बताऊँ मेरे को हेल्थ इशू जैसे मुझे कभी कभार लगता है कि यार मेरे घुटनों में इशू हो रहा है जैसे मैं आपको बताऊँ मैंने स्मोकिंग छोड़ दी है मैं स्मोकिंग करता था कब छोड़ी मैं बीस दिन हो गए बीस दिन हो गए बीस दिन भी बड़ी बात है यार बिल्कुल बड़ी बात है कल क्रिकेट खेल रहा था मेरे सामने आस पास लोग छुट्टा भूक रहे थे मैं नहीं भूक रहा था एंड इट हैजर है तो मैं जोक था वो

छत्तीस मिनट तूने देखा नहीं मेरे मैं देखा खाली था पूरा तो ये, ये, ये नहीं, है। है। नहीं थी <laughs> ये मैं, तो, मैं बार बार. <laughs> नई तो चीज पता लगी हाँ. आई मीन तुम लोगों के लिए के आप डिलीट कर दीजिए तो आपका पुराना डेटा चला जाएगा लगता है बट आई कॉन्ट बिलीव मैं रात को जो छाड़े से तक जागा हुआ था क्या कर थे मैं कर क्या रहा इंस्टाग्राम पे तो बैठा

क्या हो रहा है खत्म मेरे को लगता है आपका मन नहीं है नहीं नहीं मेरे को कुछ और इंटरेस्टिंग बात हो, यार, क्योंकि बड़ा इंटेंस हो गया है। तो लाइट करना है कभी नाम कोर्स यार कमाल है देखा यार क्या बड़ी है ना हां सही है मजेदार किरदार है ना हां और कुछ बोलो फिर मजा नहीं आ रहा जावेद के बारे में नहीं आई थिंक वही सब फोटोग्राफर्स करते हैं ये कैसे पॉपुलर है किससे पूछा मुझे अभी भी नहीं पता ढंग से उन्होंने किया क्या है मतलब जैसे कुछ एक्टर्स होते हैं कुछ इन्फ्लुसर्स होते हैं कुछ टीवी होते हैं टीवी किया हुआ है ना उन्होंने अच्छा

<laughs> मेरा पॉडकास्ट किया जा रहा है यहाँ पे तो खैर हाँ मैं अब अच्छा अब ये तो नहीं होगा कि मैं अगर आपसे कोई इवेंट में वे मिल गया तो मुकर तो नहीं जोगे कि ये कौन है नहीं नहीं यार मैं याद रखोगे नाम याद रखते मैं हो बड़ा, आ, <laughs> <laughs> मैं बड़ा हम्बल आदमी हम वापस वहीं आ <laughs> नहीं 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 वापस नहीं आएंगे मैं, हम मैं, अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं समझता नहीं क्या बोला आपने नहीं नहीं मैं नहीं आई डिट वॉट यू मीन मतलब आई विल व्हाई डिड यू आस्क मी इफ आई एम गोइंग टू से हेलो टू यू ऑर नॉट नहीं बहुत लोग बोल जाते हैं नहीं मैं मैं याद रखूंगा यार नवीन कस्तूरिया एज एन एक्टर वन वर्ड डिस्क्राइब हाउ इज नवीन कस्तूरिया एज एन एक्टर वन वर्ड आई थिंक ऑनेस्ट यार ऑनेस्ट 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 यार सिंसियर सिंसियर इज द बेटर वर्ड आई सिंसियर या विराट कोहली और रोहित शर्मा द बेटर कैप्टन वेरी टफ क्वेश्चन

आई I मीन mean, जो है वो वो है मजेदार आदमी है बिल्कुल मतलब कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करता वो बहुत और वो बहुत बढ़िया बात है और बिंदास लगता है तो इस तभी मैं कह रहा डिफिकल्ट टू पिक वन और मैंने बिकॉज आई मैं इंस्टा पे विराट कोहली को फॉलो करता हूँ रोहित शर्मा मुझे पता भी नहीं इंस्टा पे है या नहीं है क्या कैसी बातें कर रहे हो नवीन भाई अच्छा है नहीं एक मिनट आपको नहीं पता रोहित शर्मा इंस्टाग्राम पे है कि नहीं इसमें तो मैं ट्रोल हो जाऊंगा यार यार मतलब मैंने नहीं देखा रोहित शर्मा का पेज कभी तो मतलब इसलिए मुझे लगा मैं विराट कोहली का ज्यादा बड़ा फैन हूँ

आई थिंक दैट इज द रीजन तब मुझे कैप्टन सी नहीं पता बेटर आई लाइक बोथ ऑफ देम बट विराट कोहली जिस तरीके से अपनी बॉडी का ख्याल रखते हैं वो बहुत ही एडमरेबल है तो विराट कोहली यार रेगुलरली करता है वो और उसने क्या मतलब ट्रांसफॉर्म किया खुद को बिल्कुल कितनी चीजें नहीं करता हुँ. देश का प्रेशर और सब कुछ और मुझे लगता है एक चीज पे कई बार फोकस होना जब मैं शूट कर रहा होता हूँ तो तो मैं एक्सरसाइज का ई भी नहीं कर पाता हूँ hmm. मेरे को इतना मुश्किल लगता है खाली टाइम में भी मेरे लिए रेगुलर रहना बड़ा मुश्किल है तो तभी मुझे वो लोग जो काम इतना मुश्किल है इतने प्रेशर वाला काम है उसको इतना सच्चाई से कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम ही ग्राउंड एंड देन ही इज टेकिंग केयर ऑफ हिज हेल्थ एंड एक्सरसाइजिंग रेगुलरली एंड तो वो मेरे को बहुत ही मुश्किल काम लगता है दैट्स अ रीजन और आई थिंक फन भी लगता है मुझे बढ़िया हां विराट कोहली

probably uh, Navjot, Navjot Gulati. Navjot Gulati. Have you heard of him? Yeah. He is one guy who I can call up at three in the night, or maybe four in the night, five in the night, and he is always there to help. And he is always there to. उससे वो थोड़ी uh, uh, मेरे को family वाली वही बात ही है hmm. कि वो वैसा वाला दोस्त है जो खड़ा है आपके लिए. हाँ. Hmm. Uh, I hope मैं भी वैसा बनूँ उसके लिए. Is there a, is there an idol you look up to? कि मेरे को इसकी तरह बनना? है? नहीं not really. क्यों काम कर रहे हो मजे के लिए पैसा अगर हटा दे तो सेम काम करोगे भूखा ना मरूं तो मुझे लगता है वर्ल्ड का मोस्ट इंटरेस्टिंग काम है ये एक्टिंग एक्टिंग अभी दिक्कत ये होती है कि सही सही वर्ल्ड में काम मिल जाए यू नो वर्ल्ड एज एन सही स्क्रिप्ट मिल जाए किस टाइप का काम करना है जिससे मजा और बढ़े मतलब रोल अच्छा हो स्क्रिप्ट अच्छी हो लोग अच्छे हो जिनके साथ आप काम कर रहे हो बिकॉज करते करते ये भी समझ में आया कि सिर्फ एक्टिंग आइसोलेशन में नहीं होती है यार है तो लोगों के साथ ही ना जिन लोगों के साथ आप डील कर रहे हो जो मेरा डायरेक्टर है जो मेरा प्रोड्यूसर है वो प्यारे लोग हैं कर यू नो और उतने ही पैशनेट हैं जितना मैं हूँ तो फिर काम करने में मज़ा आएगा मैंने पता ये एनालॉजी यूज़ किया था क्या कि एक्टिंग uh, और कॉन्टेंट क्रिएशन एक इतना आइसोलेटेड काइंड ऑफ अ जॉब है जहाँ पर बंदा है तो बहुत अकेला लेकिन एट द सेम टाइम लाखों लोगों के सामने है

नब्बे प्रतिशत एक्टर्स तो गैलरी के लिए कर रहे हैं तो उनको वो ऑन सेट वाला फ़न चाहिए शायद मैं भी उन्हीं में से हूँ मतलब वो ऑन सेट का जो हाई है कि पचास सौ लोग हैं सामने मेरे को मेरे को आ, आ, आप अभी आप किस पे काम कर रहे हो शो हाँ एक है मिथ्या करके जी फाइव का शो है शूट चल रहा है अभी कि खत्म हो गया नहीं नहीं चल रहा है मैं एक दिन आके देख सकता हूँ दार्जिलिंग में होगा वो अगला शेड्यूल बॉम्बे में है मार्च में मैं मार्च में आके देख सकता हूँ हाँ आओ आप बुलाओगे बुलाऊँगा

नहीं मैं एक दोस्त शबीर से बात कर रहा हूँ आशीष चंचलानी की बात कर रहा हूँ कि भाई क्या ट्रांसफॉर्म किया है यार हाँ। मतलब खतरनाक बॉडी बना लिया है उसमें नहीं आई I मीन mean, कपड़ों में तो लग रहा है कि हाँ। ट्राइसेप्स वगैरह भी निकल रहे हैं खत्म बैटरी खत्म हो गया तो लगाओ चार्ज तो ये बहुत लंबा चला है क्या पॉडकास्ट लंबा चल गया यार एक्चुअली ना मैं कुछ दो दो ढाई डेढ़ घंटे वाले कर चुका हूँ तभी मुझे लग रहा है कि हम काफी कर लिया है मतलब हमने आई हैव स्पोकन अ लॉट पाँचवीं बार आप बोल रहे हो खत्म कर दो नहीं नहीं कर लो कर लो यार मैं तो कह रहा हूँ कर लो कोई टेंशन नहीं।, नहीं अब तो बैटरी खत्म हो गई या तो अब तो अब मेरे हिसाब से गैप लेना पड़ेगा या तो खत्म ही करना पड़ेगा हाँ नहीं आप क्या पार्ट टू करेंगे नहीं मैं चंचलानी की बात कहने लगा था ना नहीं, अब... ये तो रोल हो रहा है आप बोलो ना तो ये तुम्हारी आवाज तो नहीं आ रही लेकिन आवाज तो आ रही है ठीक है तो चंचलानी का हमें था यार उसने जैसे ट्रांसफॉर्म किया है वो कुछ और साल भर की मेहनत है यार हाँ तो आई थिंक मोहित भाई इसको ना उठा के दोनों को कवर कर लो हाथ में ले लो मिनट के लिए। बट रोल पे डिपेंड भी करता है ना रोल में अगर आपको उस किस्म का नहीं हाँ, चाहिए। बीच में रख दो जैसे हाँ। मैंने एक शो किया था जैसे मैंने कपड़े उतारे हुए पहले यही बात बताई थी यार ठीक है ठीक है तो कभी तो सकता हूँ तो हाँ वो मतलब वो अच्छा शो नहीं बना शायद लोगों ने जिन्होंने देखा होगा उनको पता लग जाएगा मैं तो उसमें कपड़े उतार के डांस कर रहा हूँ नहीं तो शो है। और वो तो आया नहीं। एकदम एसपी के साथ तो अच्छा। <laughs> मुझे गालियाँ पड़ रही थी एक्चुअली उन्होंने भी बड़ी स्मार्टनेस दिखाई हुआ क्या कि वो शो डेढ़ साल से रिलीज नहीं हो रहा था वो नहीं कर रहे होंगे मेकर्स को खुद पता है बेकार बनाया है हमने तो एसपिरंस आया वन वो चल गया तो मतलब लोग कस्तूरिया कस्तूरिया कर रहे थे कुछ चार पांच लोग उन्होंने पांच लोग तो, नहीं ज़्यादा कर रहे होंगे इसी आड़ में उन्होंने शो भी रिलीज कर दिया अब जो कस्तूरिया कस्तूरिया कर रहे थे उनको दिखा वो वो भी देखने चले गए क्या रहे, इसमें हमारा कस्तूरिया डीएम है उसमें हमारा कस्तूरिया जज ज़ है जज बना हुआ मैं उसमें जज में कपड़े उतार दिए वही तो इतनी गालियां पड़ी ना मुझे कुछ तो फैंस इतने वायलेंट हो गए आधे वायलेंट आधे वायलेंट वो, 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 वो इसलिए हो रहे थे कि संदीप भैया आईएएस बने नहीं हां आप बन गए तो वैसे ही मुझे गालियां आ रही थी कुछ कुछ अब फिर उन्होंने मेरा ये शो देखा जिसमें मैं थोड़ा थोड़ा बेहुदा सा कैरेक्टर है वो एंड यहाँ लोगों ने मुझे एक्चुअली गालियाँ दी हैं कि अगर तू मेरे सामने होता ना मारते तुझे कि यू शुड नॉट डू समथिंग लाइक दिस

तो आम आदमी देख रहा होगा तो उसका खून खोल गया होगा देखते हो अपना शो देखता हूँ बिल्कुल देखता हूँ और मेरे को लगता है सीखता भी हूँ मुझे ये दिखता है कि क्या नहीं करना चाहिए डेफिनेटली uh, मैं तो सीखता हूँ अपनी mm. चीज़ देख के थिंग्स आई हैव नॉट लाइक और मुझे लगता है दिखता है कि ये मैं कर रहा हूँ यू नो वैन आई गेट नर्वस आई एक्ट लाइक दिस तो फिर मेरे को ध्यान रहता है जब तो मैं नेक्स्ट टाइम कर रहा होता हूँ कि यू you नो know, ये ना ना करूँ मैं इफ आई गेट स्टार्क इन सिचुएशन एंड आई एम नॉट एबल टू क्रैक अ सीन तो मुझे पता है चलो ठीक है ये नहीं करूँगा मैं कम से कम चाहे मैं करेक्ट जज्बात नहीं पैदा कर पा रहा हूँ बट अगर मैं ये चीज़ें नहीं करूँगा तो शायद मैं न्यूट्रल लगूंगा ये करूँगा तो गंदी एक्टिंग लगेगी यू यूटिंग कैमरा पे बता दो आप, आपको जेनविनली सच, सच, एकदम सच्चाई से क्या कैसा लगा पॉडकास्ट पर आके और दीपक पारिक मेरे चैनल का नाम है उसको हाँ। सब्सक्राइब करने आप बोल दो हाँ आपकी बात सुन लेंगे मेरी बात सुनते नहीं है लोग मेरी बात सुन के खैर

कि मैंने स्मोकिंग की बात करी यू नो बिकॉज मेरे को अभी लग रहा था कि अब नवीन भाई बात करेंगे मेरे पॉडकास्ट के यूएसपी के बारे में जबकि नवीन भाई अच्छा शुरू ऐसे किया मैं एक चीज से खुशू इस पॉडकास्ट के बारे में मुझे ना ऐसा लगता था मैं अपने पेरेंट्स से ना लाइफ में हर चीज के बारे में बात कर सकता हूं लड़कियों के बारे में मतलब जो भी हुँ. एक चीज मैं उनको कभी नहीं बता पाता था कि मैं स्मोकिंग करता हूं बट मैंने अभी कुछ दिन पहले अपने डैड से ही शेयर किया अपनी मॉम से ही शेयर किया छोड़ने के बाद हुँ. मतलब छोड़े मुझे हफ्ता ही हुआ होगा तो क्योंकि अभी बीस दिन हुए तो मेरे से ना एक वो एक बोझ बोझ हट गया तो अभी सी, अभी मैं इसमें भी आराम से बात कर पा रहा हूँ वरना एक बार तो एक बड़ा फनी मोमेंट हुआ था मेरी तबीयत ख़राब थी तो माँ आई हुई थी तो ये नवजोत गुलाटी जिस दोस्त की मैं बात कर रहा हूँ इसका फ़ोन आया मैंने कहा तबीयत ख़राब है तो इसने कहा चलते कोई डॉक्टर के पास ले चलता हूँ तो ये आ गया मैं मम्मा और ये तीनों हम तीनों डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने मुझसे पूछा तो डॉक्टर पूछते ही है ना कि कुछ कुछ देखा वेखा होगा तो डॉक्टर ने पूछा कि डू यू स्मोक तो मैंने कहा नहीं तो सरदार बड़ा चिड़ता था इस बात से कि मैं सुट्टा क्यों भूखता हूँ वो मुझे कॉन्स्टेंटली बोलता था ये मत कर देखो नेचुरली नहीं होता है तो क्यों करता है वो भी एकदम इंस्टेंटली बोल पड़ा कि झूठ क्यों बोल रहा है अम्मा साथ बैठी है तो मैंने uh, uh, उस समय तो संभाल लिया मैंने कहा नहीं मजाक कर रहा है ये वो तो बेसिकली तो मैं कह रहा हूं उस, अब उस मोमेंट के लिए मुझे डरने की जरूरत नहीं है अब आप लिबरेटेड फील कर रहे हाँ क्योंकि देखो ना मैं ये एक एक, एक एक बहुत बड़ी बात बोल पा रहा हूँ hmm. और सिगरेट हैड बिकम अ पार्ट ऑफ माई लाइफ यू नो आई वॉज आई मीन आई वॉज नॉट एडिक्टेड टू इट बट मुझे आ, मन करता था भूखने का और वो एक, एक, एक अच्छी तब्दीली है जो मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने अंदर एंड आई एम ऑल्सो एबल टू टॉक अबाउट इट अदरवाइज मैं इस बारे में बात भी नहीं करता इवन इफ अगर मैं ये चेंज ला रहा हूँ ये एक अच्छा चेंज है ना अगर सिगरेट आप छोड़ पा रहे हो अभी तो प्रोसेस में ही है बीस दिन दिनों हैं अगर मैं कर पाता हूँ लंबे टाइम तक तो हाँ बट एटलीस्ट आई नाउ कैन ऑल्सो ओपनली टॉक अबाउट इट अदरवाइज मैं पब्लिकली टॉक नहीं बात नहीं करता अगर मैंने ये पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं किया होता You getting what I'm saying? हालांकि इट वाज़ नॉट अ वेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट ऑफ़ हाउ अ कॉन्वर्सेशन. I don't even know if it's going to be there in this the air will, air will air. be there. So हाँ तो या बहुत बढ़िया. So that's about it. That's about it. Uh, thank you so much guys for watching the entire episode. Uh, obviously नवीन भाई ने आउट्रो कर diya hai. तो मेरा कुछ भी बोला वा कोई सेंस नहीं बनाएगा अभी. लेकिन I will put all his socials in the description, Tinder, Bumble included. Please write uh, swipe there. एंड प्रेस दैट ब्लू बटन एंड मेक दैट ग्रे विच मीन्स फॉलो कर देना एंड आई विल सी यू विथ अनदर फ्रेश एपिसोड नेक्स्ट फ्राइडे एट सिक्स पी एम ड्रॉप इन योर कॉमेंट्स बिलो कैसा लगा आपको कौन सा फेवरेट पार्ट था बहुत सारी वैल्यू एडिंग बात हुई है मेरे हिसाब से uh, तो कर देना कॉमेंट एंड आई विल सी यू गाईज नेक्स्ट फ्राइडे एट सिक्स पी एम शॉप टिल देन थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया सर